हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा नमस्ते। आई होप कि आप सभी ठीक होंगे, अच्छे होंगे। ये राजस्थान करंट अफेयर के क्वेश्चंस हैं, प्लीज़ पूरा देखें, बहुत ही शानदार क्वेश्चंस हैं, सॉल्यूशन सही MCQ टाइप में है। प्लीज़ आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें वीडियो को, और लाइक शेयर, और कोई समस्या आ रही है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट्स कीजिए। ये राजस्थान की आल कंपटीशन एग्ज़ाम के करंट अफेयर के क्वेश्चंस है। राजस्थान का आप कौन सी भी एग्ज़ाम देते हो कंपटीशन की, तो आप देखेंगे कि सभी कंपटीशन एग्ज़ाम में करंट अफेयर्स के 10 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जी हाँ, आल कंपटीशन एग्ज़ाम में 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपसे निवेदन है कि प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक आगे शेयर करिए। प्लीज़ सभी से रिक्वेस्ट है कि शेयर करें वीडियो को। इस तरह आप देखेंगे करंट अफेयर्स के क्वेश्चन से इस पर ज़्यादातर बॉक्स दिया गया है, वह है राजस्थान की कंपटीशन एग्ज़ाम की दृष्टि से। जी हाँ, राजस्थान की ऑल कंपटीशन एग्ज़ाम जैसे RS, पुलिस, SI, कांस्टेबल, रेट, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, टीचर्स, इस तरह की आप देखेंगे कि ये प्लीज़ करंट अफेयर के क्वेश्चंस हैं। वन पाल वन रक्षक। हाँ, शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन, सतत विकास लक्ष्य SDG क्रियान्वयन समिति का अध्यक्ष है, तो इसका आंसर हो जाएगा मुख्य सचिव। क्वेश्चन नंबर 2, तिथि भोज योजना का संबंध है, तो इसका आंसर हो जाएगा मध्यान्ह भोजन। क्वेश्चन नंबर 3, सर्वाधिक शहरी लिंगानुपात वाला जिला नहीं है, प्लीज़ नहीं है, तो इन क्वेश्चनों को आप ध्यान से देखें, नहीं वाले क्वेश्चनों को। अधिकतर ये क्वेश्चन आते हुए भी गलत करवा देते हैं, इसलिए इन क्वेश्चनों को ध्यान से देखें, तो इसका आंसर हो जाएगा जैसलमेर। प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों तक शेयर करें, लाइक करें। फिर क्वेश्चन नंबर 5, भारत में राजस्थान का शीर्ष फसल उत्पादन है, तो इसका आंसर हो जाएगा सोयाबीन। क्वेश्चन नंबर 6, आप देखेंगे कि क्वेश्चन नंबर 6, उड़ान योजना के तहत प्रति माह महिलाओं को कितने सैनिटरी नेपकिन निःशुल्क दिए जा रहे हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा 12। क्वेश्चन नंबर 7, कृषक उपहार योजना 2022 का संबंध है, तो इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर हो जाएगा ए, कृषि उपज को ई नाम के माध्यम से विक्रय 2015 से। ये आप देखेंगे थोड़ा इसका सोलूशन भी, 2015 से स्टार्ट हो चुकी है। क्वेश्चन नंबर बहुत ही करंट अफेयर के बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। राजस्थान की आल कंपटीशन एग्ज़ाम यानी सभी जितनी भी राजस्थान की कंपटीशन एग्ज़ाम होती है उन सब में करंट अफेयर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। प्लीज़ आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों तक इसे शेयर करें। क्वेश्चन नंबर 8, राजस्थान कृषि प्रसंस्करण, कृषि व्यवसाय एवं कृषि निर्यात प्रोत्साहन नीति 2019 में कृषि प्रसंस्करण उद्योगों की स्थापना हेतु अनुदान प्रावधान है, तो इसका आंसर हो जाएगा 2 करोड़ तक। क्वेश्चन नंबर 9, उत्कर्ष योजना का संबंध है, तो इसका आंसर हो जाएगा शिक्षा। क्वेश्चन नंबर 10, बाल परामर्श एवं कौशल विकास पर प्रशिक्षण केंद्र है, तो इसका आंसर हो जाएगा जोधपुर। क्वेश्चन नंबर 11, राजस्थान पुलिस द्वारा सुरक्षा सखी योजना का संबंध है, वापस क्वेश्चन नंबर 11 वापस सुनिए, राजस्थान पुलिस द्वारा सुरक्षा सखी योजना का संबंध है। क्वेश्चन नंबर
ग्यारह ग्यारह का आंसर हो जाएगा 2021। क्वेश्चन नंबर 12, राज्य में सड़क सुरक्षा के क्षेत्र में बेहतरीन कार्य करने वाले कितने जिलों को सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार दिया जाएगा तो इसका आंसर हो जाएगा 3। क्वेश्चन नंबर 13, डीजी फेस्ट 2022 का आयोजन 11-13 नवंबर 2022 कहां पर किया गया है तो इसका आंसर हो जाएगा जोधपुर। क्वेश्चन नंबर 14, ओलंपिक खेल 2022 में केवल बालिका वर्ग शामिल है तो इसका आंसर हो जाएगा खो खो। क्वेश्चन नंबर 15, राजस्थान बास्केटबॉल बालिका अकादमी कहाँ पर है तो इसका आंसर हो जाएगा जयपुर। क्वेश्चन नंबर 16, ओडवाड पर्यटन सर्किल में शामिल नहीं है तो इसका आंसर हो जाएगा नागौर। क्वेश्चन नंबर 17, प्रदेश की किस अर्थशास्त्री को G20 के अंतर्गत W20 समूह में महिला प्रतिनिधि को शामिल किया है तो इसका आंसर हो जाएगा डॉक्टर ज्योति करण शुक्ला। क्वेश्चन नंबर 18, जनजाति गौरव दिवस मनाया जाता है 15 अक्टूबर को। क्वेश्चन नंबर 19, भारतीय सेना युद्ध अभ्यास फायर पावर कहां पर आयोजित किया गया इसका आंसर हो जाएगा बीकानेर। क्वेश्चन नंबर 20, प्रदेश का द्वितीय स्पोर्ट्स स्कूल खोला जा रहा है क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर है जोधपुर। क्वेश्चन नंबर 21, प्रदेश का प्रथम बर्ड पार्क कहाँ स्थापित किया गया इसका आंसर हो जाएगा उदयपुर। क्वेश्चन नंबर 22, प्रदेश का प्रथम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एवं प्रोग्रामिंग सेंटर किस सैनिक स्कूल में खोला गया है तो इसका आंसर हो जाएगा झुंझुनू ए। क्वेश्चन नंबर 23, सतत विकास लक्ष्य 2021 2.0 में शीर्ष रैंक हासिल की है वह कोटा। बहुत ही शानदार क्वेश्चन करंट अफेयर के। क्वेश्चन नंबर 24, बीस सूत्री कार्यक्रम रैंकिंग में प्रथम स्थान प्राप्त किया है झुंझुनू ने। क्वेश्चन नंबर 25, राजस्थान सड़क सुरक्षा शोध संस्थान एवं इंदिरा गांधी महिला एवं बाल विकास शोध संस्थान बनाया गया तो इसका आंसर हो जाएगा रिपा जयपुर। क्वेश्चन नंबर 26, एडवेंचर स्पोर्ट्स ट्रेनिंग सेंटर कहां पर बनाया गया है इसका आंसर हो जाएगा माउंट आबू। क्वेश्चन नंबर 27, राजस्थान में कृष्ण मृग स्मारक बनाया जा रहा है तो इसका आंसर हो जाएगा कांकड़ी गांव जोधपुर। क्वेश्चन नंबर 28, महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम विद्यार्थियों में प्रवेश प्रक्रिया के लिए विद्यार्थी दर्पण एवं विकसित किया है प्लीज इसका आंसर हो जाएगा MNIT जयपुर। क्वेश्चन नंबर 29, निम्न में से कौन सा तथ्य सही नहीं है इसका आंसर हो जाएगा हर घर जल उत्सव मंगलवार को नहीं मनाया जाता है बुधवार को मनाया जाता है इसमें
प्लीज़ थोड़ा ध्यान से देखेंगे ना आप, तो इसमें संशोधन भी कर रखा है। अगर आपको आंसर आंसर चाहिए तो वो आंसर आंसर आप देख सकते हो। इस तरह आप क्वेश्चन नंबर 30 ऑल कंपटीशन एग्ज़ाम राजस्थान से संबंधित, प्लीज़ इन क्वेश्चनों को राजस्थान की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा फोकस दिया गया है, बल दिया गया है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 30, निम्न में से कौन सा तथ्य सही नहीं है? इसका आंसर हो जाएगा प्रदेश की प्रथम स्काई ड्राइवर सीमा गढ़वाल, ये आंसर गलत है। क्वेश्चन नंबर 31, राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा विधेयक 2022 के तहत पेपर लीक मामले में कितने वर्ष की सजा का प्रावधान है? 5 से 10 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 32 मिशन आर्या के तहत समझ स्पर्शरी अभियान वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड किस जिले ने बनाया है? इसका आंसर हो जाएगा दौसा। क्वेश्चन नंबर 33, निम्न में से कौन सा तथ्य सही नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा देवतलाई गांव बेलवाड़ा, चांदी उत्पादन में नहीं सोना उत्पादन में है। यहां पर आप देख सकते हैं ऊपर लिख रखा है सोना, तो चांदी की जगह सोना जाएगा, तो ये सही हो जाएगा। इस पर्सन के हिसाब से तो यह गलत है, तो यही आंसर है इसका। क्वेश्चन नंबर 34, निम्न में से कौन सा तथ्य सही नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस पर सर्वश्रेष्ठ जिला भरतपुर, ये गलत है। तो भरतपुर के स्थान पर अलवर कर लेंगे तो आप ये क्वेश्चन सही हो जाएगा, लेकिन इस क्वेश्चन के हिसाब से ये गलत है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 35, राजस्थान रत्न 2022 से सम्मानित व्यक्ति जो जोधपुर से नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा अनिल अग्रवाल। क्वेश्चन नंबर 36, राष्ट्रमंडल एवं एशियाई खेल पुरस्कार से सम्मानित व्यक्ति को नहीं दिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 का आंसर हो जाएगा कांस्य पदक 40 लाख। क्वेश्चन नंबर 37, राजस्थान के पद्म श्री से सम्मानित खिलाड़ी नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा रीमा दत्त तैराकी, ये नहीं है। क्वेश्चन नंबर 38, राजस्थान के काजी खां बरना को संगीत नाटक अकादमी अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है, इसका संबंध हो जाएगा करताल। क्वेश्चन नंबर 39, निम्न में से कौन सा तथ्य सही नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा छात्र संसद द्वारा आदर्श विधायक कृष्णा पूनिया। क्वेश्चन नंबर 40, राजस्थान के कौन से खिलाड़ी हैं जो पद्म श्री पद्म भूषण और खेल रत्न से सम्मानित रहे हैं? तो देवेंद्र झांझड़िया। क्वेश्चन नंबर 41, पुणे में संपन्न 12वीं भारतीय छात्र संसद में राजस्थान की किस शख्सियत की विशेष सम्मान से नवाजा गया है? इसका आंसर हो जाएगा डॉक्टर सीपी जोशी। क्वेश्चन नंबर 42, वित्त वर्ष 2019-20 के बजट में घोषित राजस्थान इलेक्ट्रॉनिक वाहन पॉलिसी की शुरुआत कब से की गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा 1 सितंबर 2022। क्वेश्चन नंबर 43, ग्रामीण महिलाओं को इंटरनेट का प्रशिक्षण
देने के लिए कंप्यूटर सखी प्रोग्राम किस जिले में लॉन्च किया गया, इसका आंसर हो जाएगा चोरू। क्वेश्चन नंबर 44, राजस्थान एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल का अध्यक्ष किसे बनाया गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा राजीव अरोड़ा। क्वेश्चन नंबर 45, राजस्थान के किन शिक्षकों को CBSE का सर्वोच्च शिक्षण अवार्ड प्रदान किया जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा डॉक्टर संध्या वास्य, हेमा जोशी। क्वेश्चन नंबर 46, सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने राजस्थान हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के पद पर किसे नियुक्त किया है, तो इसका आंसर हो जाएगा 46 का आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46 का आंसर हो जाएगा पंकज मित्तल। क्वेश्चन नंबर 47, वर्ष 2022 का के बिरला फाउंडेशन का 32वां, ये थोड़ी सी टाइपिंग मिस्टेक हो गई, ये बिहारी पुरस्कार है, बिहारी नहीं बिहारी, किसे दिया जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा डॉक्टर माधव हाड़ा। क्वेश्चन नंबर 48, केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय ने राजस्थान के किस स्मारक को स्वच्छता एवं बेहतर प्रबंधन के लिए पुरस्कार दिया है, तो इसका आंसर हो जाएगा हवा महल। बहुत ही शानदार क्वेश्चन करंट अफेयर के, प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो और शेयर करें, लाइक शेयर ज़रूर करें। क्वेश्चन नंबर 49, राजस्थान हस्तशिल्प नीति 2022 के तहत हस्तशिल्प डिजाइन बैंक कहाँ स्थापित किया जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा जयपुर। क्वेश्चन नंबर 50, राज्य के किस जिले में बालिका चेतना जागृति अभियान शुरू किया गया है, इसका आंसर हो जाएगा जालो। क्वेश्चन नंबर 51, वर्ल्ड हॉकी गोलकीपर ऑफ द ईयर 2021-22 किसे चुना गया, इसका आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों, एम ए पी आर श्रीजेश और बी में सविता पुनिया, इसका आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 52, इंटेक की भू विरासत सूची में राजस्थान की किस चट्टानों को शामिल किया गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा मिश्रोली बेसाल्टिक चट्टाने झालावाड़। क्वेश्चन नंबर 53, भारतमाला परियोजना के तहत देश की पहली 8-लेन टनल किस मार्ग पर बनाई जा रही है, तो इसका आंसर हो जाएगा कोटा दर्रा मार्ग। क्वेश्चन नंबर 54, इन्वेस्ट राजस्थान समिट 2022 में अंडानी ग्रुप ने राज्य में कहाँ अंतर्राष्ट्रीय स्तर का क्रिकेट स्टेडियम बनाने का ऐलान किया है, बहुत ही शानदार है करंट अफेयर का क्वेश्चन है, उदयपुर, इसका आंसर हो जाएगा उदयपुर। क्वेश्चन नंबर 55, 36वें राष्ट्रीय खेलों में किस खिलाड़ी ने गोल्ड मेडल जीता है, इसका आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों, कविता सियांग और विवान कपूर। क्वेश्चन नंबर 56, नोबेल शांति पुरस्कार चैलेंज 2022 प्रतियोगिता राजस्थान के किसका चयन किया गया है, इसका आंसर हो जाएगा असीरा विश्वास। क्वेश्चन नंबर 57, राज्य सरकार ने निजी विद्यालयों में पढ़ने वाली बालिकाओं के लिए फीस भरने हेतु कौन सी योजना लागू की है, तो इसका आंसर हो जाएगा इंदिरा शक्ति बालिका फीस पुनर्भरण, या प्लीज़ ये थोड़ी सी टाइपिंग में मिस्टेक हो गई है, तो इसका आंसर हो जाएगा पुरान भरण योजना। क्वेश्चन नंबर 58, मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है, इसका आंसर हो जाएगा आप प्लीज
ऑप्शनों को देख सकते हैं, सही नहीं है तो ये तीनों सही है, डी इसका आंसर हो जाएगा डी। एक से पाँच तक 200 लीटर मिलीलीटर सॉरी मिलीलीटर एक कक्षा, तो इसका 6 से 8 तक के बच्चों को 200-250 मिलीलीटर दूध वितरित किया जाएगा, तो ये गलत है। तो उसमें आपको लिख रखा है ना नहीं है, सही नहीं है, तो ये सही नहीं है, इसका सही कर रखा है। 200 की जगह 150 मिलता है और 250 की जगह 200 मिलता है। इस तरह आप देखेंगे 59 राज्य की किस महिला खिलाड़ी ने 41वीं एशियन ट्रैक साइकिलिंग चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीता है, तो इसका आंसर हो जाएगा मोनिका जाट। क्वेश्चन नंबर 60 जयपुर में 24 सितंबर को आयोजित राजस्थान फिल्म फेस्टिवल 2022 में लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे प्रदान किया गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा संजय मिश्रा। इस तरह आप देखेंगे कि ये राजस्थान की करंट अफेयर के क्वेश्चंस हैं, प्लीज सॉल्यूशन सही था है। इस चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे 40 क्वेश्चंस और डाल दिए जाएंगे इसके, तो प्लीज़ आप दोनों वीडियो को देखें जिसमें 100 क्वेश्चन हो जाएंगे दोनों को मिलाकर। राजस्थान की ऑल कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम होती है जैसे RSI पुलिस रीट फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड टीचर्स रीट पटवारी ग्राम सेवक, इन सभी एग्ज़ामों में राजस्थान की करंट अफेयर आपको देखने को मिलती है। ये राजस्थान के संबंधित 60 क्वेश्चन हो गए हैं, प्लीज़ नेक्स्ट वीडियो में 40 क्वेश्चन और आएंगे, तो इन दोनों को मिलाकर आपके 100 क्वेश्चन हो जाते हैं करंट अफेयर के। प्लीज़ आप थोड़ा इनको ध्यान से देखें, ध्यान से पढ़ें, करंट अफेयर के क्वेश्चन प्लीज़ राजस्थान से ही संबंधित है। फिर से एक बार इस चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू फ्रेंड्स।